हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इस वीडियो में मैं एक टेक्निकल अलंकार बता रहा हूँ, और ये अलंकार हमारा जो है ये हमारा राग भैरवी में है, ठीक है। और इसका जो हमारा स्केल है वो ये है बी, और इसे हमें दो सप्तक में करना है। इसमें हमें आवाज़ का प्रयोग नहीं करना, ये हमारे सिर्फ हाथ की तैयारी के लिए है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। और बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल स्लो में आपको करना है, बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। अभी जिस स्पीड में मैंने आपको बजाकर दिखाया है ये हमारा मीडियम स्पीड है। इस स्पीड तक पहुंचाने के लिए आपको पहले स्लो में उसको प्रैक्टिस करना होगा। दूसरी बात, जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिंगरिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर फिंगर हमारे सही नहीं होंगे तो हम इसको सही से नहीं बजा पाएंगे। ये हमारा स्केल है बी, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे आइए सबसे पहले मैं आपको एक बार सोलो में बजाकर दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको एक एक नोट्स बताऊंगा कि किस रीड पे हमारा कौन सा फिंगर लगेगा, ठीक है। पहले आप देखिए, मैं सोलो में बजा रहा हूं, आप देखिए इसको ध्यान से। इस तरह से आपको इसको बजाना। आपने फिंगरिंग देखा मैं किस तरह से प्रयोग कर रहा हूं, अब आइए मैं आपको फिंगर बताता हूं। सा अंगूठा, सा रे, सा अंगूठा रे पहला, गा अंगूठा मा पहला, पा दूसरा, धा अंगूठा नी पहला, सा अंगूठा रे पहला, गा अंगूठा मा पहला, पा दूसरा, धा अंगूठा नी पहला, सा दूसरा, रे तीसरा। यहाँ पे रे से हम वापस जाएंगे अलंकार को लेकर के। सा से सा तक हमारा अलंकार हो गया, पर हम जैसे सा पे पहुंचेंगे तो रे लेकर के फिर हम वापस आएंगे। अब रे पे हमारा तीसरा फिंगर आया, वापस जब आएंगे तो सा दूसरा, नी पहला, धा अंगूठा, पा दूसरा, मा पहला, गा अंगूठा, उसके बाद रे पहला, सा अंगूठा, नी पहला, धा अंगूठा, पा दूसरा, मा पहला, गा अंगूठा, रे पहला, सा अंगूठा, नी, फिर नी पे पहला, और फिर सा, नी सा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक चीज कि उंगलियां हमारी क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। क्रॉस होने का मतलब ये है कि बहुत सारे अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें हमें क्रॉस नहीं करना होता है। अभी क्या है, ये अलंकार हमारा ऐसा है जिसमें हमें क्रॉस करना ही पड़ेगा, और ये क्रॉस से ही आएगा, ठीक है। तो हारमोनियम में कोई बंदिश नहीं होती कि हम किसी चीज़ को किस तरह से बजाएंगे, वह एक्चुअली हमारी स्पीड में आनी चाहिए बस। उसमें कुछ अलंकार ऐसे जिसमें हमें क्रॉस भी करना होता है, कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें हमें प्लेन भी बजाना होता है। तो ये हमारा इस तरह से ही आपको फिंगर प्रयोग करने हैं, और ज़्यादातर इसमें
ये तीन ही फिंगर प्रयोग हो रहे हैं, और अंगूठा और पहला ये दो ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, और कहीं कहीं पे दूसरी और लास्ट में तीसरी फिंगर, बस इतनी ही प्रयोग हो रहे हैं। तीसरी फिंगर का सिर्फ लास्ट में ही प्रयोग होता है, बाकी बीच में हर जगह यही तीन फिंगर प्रयोग होती हैं। फिर से देखें आप एक बार, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा सॉरी धा पा मा गा रे सा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा। अभी हमने कहीं कहीं पे दूसरी फिंगर को भी प्रयोग कर लिया, ये हमारी अपनी सिचुएशन है, पर मैंने जो आपको बताया है फिंगरिंग, बिल्कुल आपको उसी प्रकार प्रयोग करना है। जब आप भी इसको धीरे धीरे स्पीड में लाएंगे तो आपको भी जो कंफर्टेबली महसूस होगी, तो आप भी उसमें कहीं पे भी अपनी हिसाब से भी उंगली को प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। आइए मैं थोड़ा स्पीड में आपको बजा कर दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा राग भैरवी में है, ये आप ध्यान रखें। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अलंकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।